कुल्लू का सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव दशहरा इस वर्ष 5 से 11 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। ये जानकारी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जिला परिषद सभागार कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा पर्व 2022 के आयोजन को लेकर बुलाई गई बैठक के दौरान कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीते 2 सालों तक दशहरा पर्व कोरोना महामारी के चलते केवल सिंपल तौर पर ही मनाया गया, लेकिन इस बार दशहरा का आयोजन बड़े पैमाने पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव से जोड़ा जाएगा। गोविंद ठाकुर ने कहा, जिला प्रशासन से दशहरा उत्सव को मनाने के लिए अभी से तैयारियों में जुट जाने को कहा है। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को अलग अलग समितियां गठित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि स्मारिका उत्सव की शान होती है, जो उत्सव की स्मृतियों को संजो कर रखने का कार्य करती है। इसे एक नए स्वरूप में प्रकाशित किया जाएगा। स्मारिका में नवोदित लेखकों व इतिहासकारों के लेख शामिल किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक संध्याएं 2 साल बाद आयोजित की जाएगी। सभी संध्याएं आकर्षक और शानदार होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद व दूतावासों के माध्यम से आमंत्रित करने के लिए अभी से पत्राचार करें। उन्होंने कहा कि मित्र देशों के कलाकारों को आमंत्रण भेजना सुनिश्चित किया जाए। और आज दशहरे की पहली मीटिंग हुई है और आज रघुनाथ जी के ओर से जो यहाँ पर हमको सूचना प्राप्त हुई है, तो उन्होंने कहा है कि दशहरा 5 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक चलेगा और अभी दशहरे की सारी तैयारियों को पूरा करने के लिए हमारे पास पूरे 2 महीने हैं। और इस बार हमको ये लगता है कि हमने दशहरे की पहली बैठक ठीक समय पर की है और इसलिए इस बैठक में लगभग जो 3 घंटे तक चली है और उसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल की तरफ से कई प्रकार के सुझाव आए जिन पर हम विचार करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं और उसमें कुछ बातें आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर के भी आई हैं और उनको भी हम उसमें ऐड करेंगे। और दशहरा इस बार का हमारा बहुत भव्य तरीके से बनेगा क्योंकि बीच में कोरोना के कारण से बन नहीं पाया, लास्ट ईयर बना लेकिन वो पूरा प्रकार से उसमें जो हमारे यानी व्यावसायिक चीज़ें थी वो नहीं हुई थी, हमने देवी देवताओं को निमंत्रण किया था। इस बार फुल फ्लैश दशहरा होगा और ताकि कुल्लू के लोग 2-3 साल के बाद दशहरे का आनंद लेंगे, तो आज दशहरे में हमने एक मोटी सी रूपरेखा तैयार की है। बाकी अब आगामी मीटिंग हो तो और यानी डीपली उसमें चर्चा करेंगे।